छतरपुर पुलिस ने 2 दिन पहले बुजुर्ग दंपति पर जानलेवा हमला करने वाले मामले का खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि इस मामले में बुजुर्ग महिला मौत हो गई, जबकि मृतक का बुजुर्ग पति का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें घटना सोमवार की है। बुजुर्ग दंपति घर में सो रहे थे, तभी उन पर किसी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। जिस मामले में एसपी ने खुलासा करते हुए बताया, घर का ही युवक राहुल कुशवाहा और उसके नाबालिग दोस्त ने इस घटना को अंजाम दिया था। हत्या के इरादे से घर में घुसे इस युवक ने 2 साल पहले मृतका की नातिन के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसका विरोध घायल बुजुर्ग ने किया था। 80 का बदला लेने के लिए युवक ने अपने नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। छतरपुर जिले के थाना गढ़ी मेला अंतर्गत 12 तारीख के आसपास में एक गंभीर घटना दर्ज की गई थी 302-360, जहाँ में पूरे परिवार पर प्राण घातक हमला किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था। इसमें जो परिवार के सदस्य थे उन्होंने ही किसी पे शक संदेह जाहिर किया था, उसी के आधार पर जब पूछताछ की गई तो जो आरोपी थे उनको भी गिरफ्तार आज कर लिया गया है। इसके अलावा जो अपराध में हथियार इस्तेमाल हुए थे उनको भी जब्त कर लिया गया है।